एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हो, बढ़िया होना चाहिए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, भर दो भी सही, लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो गाइस, ठीक है। ज्वाइन के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला मैं आज। सो गाइस, इस वीडियो का जो टॉपिक है, हाउ टू प्ले पोकेमोन गो। तो सबसे पहले इस टॉपिक के पीछे की इंटेंशन बता देता हूँ गाइस। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, और फालतू की चीज़ें कर रहे हो आप लोग। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सीरीज़ की स्टार्टिंग समझ लो गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप पक्का बताना कि मतलब हम लोगों को इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत बेसिक टॉपिक है गाइस, बट मैं आपको यहाँ पर ना पोकेमोन पकड़ना सिखा रहा हूँ, ना ही मैं कैसे पोकेमोन पकड़ने चाहिए, किस तरीके से पकड़ने चाहिए, मैं कुछ नहीं सिखा रहा आपको। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ गाइस कुछ बातें, तीन टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करने वाला हूँ गाइस। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रेनर्स को बताएंगे ट्रेनर के क्या क्या मतलब पार्ट होते हैं गाइस। दूसरा हम बताएंगे कि आपको डिसीजन कैसे लेना है कि गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा आपके लिए मतलब थोड़ा सा हम लोग ट्यूटोरियल दिखा देंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ये गेम डाउनलोड कर लिया है तो उससे पहले आप सुन लो गाइस, ठीक है। तो इस गेम में है दो कैटेगरीज हैं गाइस, उन दोनों कैटेगरी को मिला के हम लोग बनाते हैं एक वर्ड है गाइस। वो वर्ड में लास्ट मतलब इधर ही बताऊंगा, थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है गाइस कलेक्टर। कलेक्टर मतलब वो नहीं है जो मतलब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बैठता, वो वाला कलेक्टर नहीं है गाइस। ये कलेक्टर वो है जो कि पोकेमोन्स की कलेक्शन करता है गाइस। जैसे कि मतलब मेरे पास आप देखेंगे पोकेमोन्स काफ़ी हैं, 550 समथिंग पोकेमोन है गाइस। तो जैसे कि हीटरन भर रखे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है गाइस? कलेक्शन है गाइस, मतलब पेट नहीं भर रहा, एक ही टाइम के 50-50 पोकेमोन पड़े हुए हैं गाइस। तो ये कलेक्शन है और ये कोई भी कर सकता है। तो इन कैटेगरी वाले लोगों को हम बोलते हैं कलेक्टर गाइस। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इस गेम को खेलने का है गाइस, वो है वॉरियर। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये मेरे खुद के हैं गाइस। तो ये कोई ऐसा मत बोलना कि प्रवीण भैया कुछ भी हैं, बोल देना, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाइस, वॉरियर मतलब वो होता है कि जो बंदा पोकेमोन्स पकड़ता है, बट वो इसलिए पकड़ता है ताकि वो बैटल्स कर सके, वो इस बैटल वाली जगह पर जाके पीवीपी बैटल लड़ सके गाइस। तो गाइस, ये बैटल सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का लेवल 10 से ऊपर है। अगर आपका लेवल 10 से नीचे है तो मैंने तो आपको कलेक्टर बनना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद आपका प्रमोशन करके आपको वॉरियर बना देंगे गाइस। तो अब बात करते हैं कि वो जो वर्ड क्या है गाइस। अगर हम लोग कलेक्टर और वॉरियर को मिला देते हैं तो हमारा एक वर्ड आता जो कि ट्रेनर। तो हम लोग ट्रेनर बन जाते हैं गाइस। सो गाइस, पॉइंट वन का मतलब यही था कि हम लोग ट्रेनर के बारे में बताएं। और ट्रेनर्स यही होते हैं गाइस, जो पोकेमोन को पकड़ते हैं, उनको जांचते हैं कि क्या इस पोकेमोन से खेल सकते हैं आगे, ये किसी काम का है कि नहीं है, फिर उसको हम लोग ट्रेन करते हैं और उससे हम लोग बैटल करते हैं गाइस, ठीक है। सुनने में तो अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है गाइस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं गाइस, बहुत छोटा सा है। पोकेमोन को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, मतलब आपका रास्ता क्या गाइस। सो गाइस, अगर आपके घर के पास जिम है तो भी मैं आपके साथ हूँ, आपके घर के पास सिर्फ एक पोकी स्टॉप है तो भी मैं आपके साथ हूँ गाइस, और अगर आपके घर के पास सिर्फ रोड मैप्स हैं गाइस तो भी मैं आपके साथ हूँ, और अगर आपके घर के पास सिर्फ ये ग्रीन लैंड है जो कि ये सामने दिख रहा है हरा हरा, तो भी मैं आपके साथ हूँ गाइस। तो मैं इन सारी कंडीशन में आपके साथ हूँ, आपको भी मेरे साथ रहना है। सो गाइस, सबसे वर्स्ट कंडीशन जब होती है जब आप पोकेमोन को डाउनलोड करते हो और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ हरा मैदान दिखता है, तो उस टाइम आप समझ जाइए कि पोकेमोन को खेलना, पोकेमोन को की जर्नी आपकी एक रियल जर्नी बनने वाली है गाइस। आप एक रियल ट्रेनर बनने वाले हो और आप एक बहुत बढ़िया प्लेयर बनने वाले हो आगे जाके। क्योंकि गाइस, जो बंदा इस ग्रीन जो मतलब जिसके पास कोई भी मतलब चीज़ नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वो बंदा जो खेलेगा ना वो बढ़िया खेलेगा। बट यहाँ पर भी आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं गाइस, आपके पास एक पॉजिटिव वे और एक नेगेटिव वे गाइस। पॉजिटिव वे बहुत हार्ड है, नेगेटिव वे बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और नेगेटिव वे तो
ये वाले लोग भी यूज़ करते हैं जिनके घर के पास पॉकी स्टॉप भी है, जिम भी है। तो नेगेटिव वे है गाइस स्पूफिंग करना। स्पूफिंग एक मेथड होता है जिससे कि आप लोग इस गेम में थोड़ा सा दिक्कत ला सकते हो और आप मनचाही जगह पर जा सकते हो और वहाँ पर आप पोकेमॉन्स पकड़ सकते हो। तो वो उसको स्पूफिंग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग इतना प्रमोट नहीं करते हैं। और दूसरा है गाइस लेजिट। लेजिट मतलब होता है बिल्कुल, मतलब प्राउड के साथ खेलना है, गेम को गेम की तरह लेना है और कुछ करके दिखाना है गाइस। सो गाइस जो लोग के घर, जिन लोगों का मतलब सीन ऐसा है कि उनके घर के सामने ऐसा ग्रीन ग्रीन सा है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात है गाइस कि आप लोग, एक तरीका है इस गेम को खेलने का, वो तरीका सिर्फ एक ही गाइस, लेवल अप करना गाइस। आपको लेवल अप करने पड़ेंगे। पोकेमॉन गो का भी यही कहना है कि वो लेवल अप पे ज़्यादा फोकस कर रहा है गाइस, क्योंकि अगर आपको पता है कि जिसका लेवल 30 से नीचे होता है ना, तो उसको बढ़िया पोकेमॉन्स मिलते हैं ना ही उनके पोकेमॉन्स पावरफुल होते हैं गाइस, ठीक है, सबको पता है। तो लेवल 30 करो गाइस, लेवल 30 करने में आपको लग जाएगा, कम से कम एक महीना लग ही जाएगा। और लेवल 30 करने में कैसे 30 करना है उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने। तो गाइस यहीं पर आप अगर राइट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ स्क्रीन पर टच करेंगे, तो वहाँ पर एक आई बटन बन के आएगा गाइस, गोल बना होगा, बीच में आई लिखा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर लेवल अप के ऊपर एक वीडियो, वो वीडियो आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हो गया तरीका पोकेमॉन को खेलने का अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं। और भी तरीके हैं गाइस, तो वो भी आप आई बटन में चेक कर लेना, हाउ टू प्ले इन रूरल एरिया। नहीं, वो रूरल एरिया के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस, सपोज़ आप पोकेमॉन को ऐसे जगह खेलते हैं जहाँ पर मैप आता है, रोड आती है, पोकेस्टॉप और जिम नहीं है गाइस, वो लोग कैसे खेलेंगे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक वीडियो लगा दूंगा आई बटन पे, तो वो भी आप लोग वीडियो चेक कर लेना गाइस। तो गाइस दो लोग कंप्लीट हो गए, अब तीसरे लोग आते हैं जो कि मतलब पोकेस्टॉप और जिम वाले, तो उन लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है गेम खेलना। आप लोगों को सिर्फ इधर साइड में देखेंगे, अगर आप ये इधर, तो यहाँ रडार बना हुआ गाइस, इस रडार पर क्लिक करोगे तो आपको अपने नियर बाय पोकेमॉन्स क्या है वो चल जाएंगे पता, और आप वहाँ जाके उनको पकड़ सकते हो। तो ये हो गया एक तरीका पोकेमॉन गो खेलने का गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल दिखा देते हैं। तो गाइस सपोज एक पोकेमॉन आजकल डेली अपीयर होता है गाइस, आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी गटर में हैं, या फिर किसी भी मतलब कहीं पर भी हैं यार, अब क्या है तुमने यार, तो आपको एक पोकेमॉन डेली सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आएगा, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने डगलेट आया गाइस, तो उसको पकड़ने जा रहा हूँ, तो ये देखिए गाइस पकड़ में नहीं आया, बट अब आ जाएगा, अभी भी नहीं आया, अब आ जाएगा। तो ये आपको थ्रो करना है गाइस, और जब आप थ्रो करेंगे तो ये पोकी बॉल के अंदर आ जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको ये थ्रो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इस थ्रो करने की टेक्निक के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आई बटन चेक कर लेना गाइस, वहाँ वीडियो लगा दूंगा कि हाउ टू डू थ्रोज, ठीक है, ग्रेट थ्रो के ऊपर स्पेशली ये वीडियो। तो ये देखिए गाइस, हमने इसकी आईवीज चेक की और आईवीज अच्छी नहीं है। तो देखिए आप इसको रख भी सकते हैं और आप इसको हटा भी सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप इसको रखिए, और अगर आप, तो आप इसको हटा सकते हैं गाइस। जब आप लोग गेम डाउनलोड करते हैं गाइस, तो आपके सामने ऑप्शन आता है 3 पोकेमॉन चूज करने का गाइस, बट गाइस होता क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने गेम डाउनलोड किया, वो तीनों के तीनों पोकेमॉन आपके पैरों के नीचे होते हैं गाइस, मतलब पैरों के बीच में आ गए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उनको कैच नहीं कर सकते, उन पर क्लिक करते रहोगे वो कैच नहीं होते। तो उस केस में आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ गाइस, अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड किया गेम, तो आपको करना क्या है, उस गेम को मतलब मिनिमाइज़ करें और गूगल मैप खोल लें गाइस। गूगल मैप खोलने के बाद फिर से उस गेम को खोलें, वो पोकेमॉन साइड साइड में दूर दूर हो जाएंगे गाइस। अगर आपको GPS की प्रॉब्लम आ रही है, GPS नॉट फाउंड, तो आप वहाँ पर भी आप गूगल मैप खोल सकते हैं गाइस, तो भी आपका GPS आ जाएगा। मतलब मेरा एक जो दोस्त है उसके फ़ोन में GPS खोलने से प्रॉब्लम दूर हो जाती है गाइस। सो गाइस अभी इस वीडियो में हम लोगों ने जो बताया वो बहुत बेसिक चीज़ें बताई गाइस, और अगर आपको इस वीडियो को लगा हो कि मतलब थोड़ा ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ऐसी वीडियोज़ की और ज़रूरत है, आप डिमांड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और अगर आप लोगों को यूज़र नेम डालने में दिक्कत हो रही है गाइस, तो सबसे बेस्ट तरीका है यूज़र नेम डालने का, आप अपना नाम लिखें उसके आगे
एक नंबर डाल दें, कोई भी नंबर, 10th का रोल नंबर ही डाल दें, 12th का रोल नंबर डाल दें, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लास्ट के चार डिजिट डाल दें, या पापा का CVV कोड डाल दें, ATM पिन डाल दें, जो डालना है डाल दो गाइस, ठीक है। सो गाइस अभी के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग बताना आपको क्या क्या जानना है, सब कुछ कमेंट करना। और अगर आप चाहते हैं इस पर हम लोग, जो कि मैं बोल चुका हूँ, तो हम लोग इस पर और वीडियोज़ बना सकते हैं। जाते जाते गाइस रैंक 8 वालों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं PvP बैटल में, वो भी देख लेना, मैं लगा दूंगा इसके आगे। चलो गाइस बाय बाय।